पीथमपुर क्षेत्र के सागर ग्राम मुंडाना स्थित शासकीय स्कूल भवन की जर्जर स्थिति के चलते बच्चों की सुरक्षा के खातिर विद्यालय के शिक्षक लगभग 80 से 100 बच्चों को गांव के एक छोटे से मंदिर के बरामदे में बैठाकर पढ़ाने को मजबूर है। ये स्थिति पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे नालछा विकास खंड और सागर संकुल के ग्राम मुंडाना की है, जहां के उक्त शासकीय स्कूल भवन की स्थिति में लगातार हो रही बारिश के कारण ऐसी हो गई है कि छात्रों को विद्यालय में बैठा पाना यानी उनकी जान जोखिम में डालने जैसा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के खातिर उचित माध्यम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया और जिम्मेदार अधिकारी यानी खंड के BRC दिलीप शास्त्री एवं इंजीनियर द्वारा जर्जर भवन का अवलोकन कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। BRC शास्त्री ने कहा कि विद्यालय के शिक्षक ने उन्हें जैसे ही जानकारी दी, उन्होंने विद्यालय के जर्जर भवन का अवलोकन कर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। ये मंदिर में क्यों लगाई जा रही है? हमारी क्लास इसलिए मंदिर में लगाई जा रही है, हमारा छत स्कूल खराब हो चुका है। और तुम्हारा नाम? छत गिरने जैसा हो गया। तुम्हारा नाम? नीतिक। और समस्या? अरे बच्चों की क्लास स्कूल में छोड़कर मंदिर में क्यों लगाई जा रही है? स्कूल भवन की छत बारिश के समय टपकती है, पूर्णतः जर्जर स्थिति में हो चुकी है और छत की हालत यह है कि कभी भी गिर सकती है, जिससे बच्चे बैठेंगे और कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए हम मंदिर के प्रांगण में बिठाकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सर आपका नाम? दिलीप रघुवंशी, प्राथमिक शिक्षक प्रांगण मुंडाना। ये जो स्कूल के बच्चे हैं जो बाहर बैठे हुए, इसका क्या कारण? सर इसका ये कारण है कि ये जो भवन है ये जर्जर हो चुका है और ये पढ़ने की कंडीशन में है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए बच्चों को बाहर बिठाते हैं। आपका नाम? जितेंद्र सिंह चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।